नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे कॉफी विद विजयन। दोस्तों हमारे साथ संजीव मिड्डा जी हैं, जिनकी भविष्यवाणियां अब सच होती दिखाई देती हैं। आपको याद होगा कि दो हफ्ते पहले हमने यूएसए के ऊपर जब इलेक्शंस के ऊपर बात करी थी, इन्होंने बोला था कि जो बाइडेन जो हैं वो रेस में नहीं रहने वाले, वो छोड़ जाएंगे और किसी और को वहां पर नियुक्त किया जाएगा ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए। हमारी शर्त भी लगी थी, ये शर्त जीत गए हैं, मैं हार गया हूं ये वाली शर्त। और दूसरी शर्त मैंने लगाई थी कि ट्रंप जीतेंगे सामने कोई भी हो। अब देखते हैं वो 6 जून के बाद पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है। उसके ऊपर भी संजीव जी बोलते हैं इतनी आसान राह नहीं रहने वाली ट्रंप के लिए। ये क्या बात है, इन्होंने एक और बड़ी ही भयंकर एक भविष्यवाणी दोबारा से कर दी है। इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करने के लिए दोबारा से इन्होंने टाइम दिया है। सर सबसे पहले जय श्री राम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय श्री राम सुमित जी। सर मुझे लगता है आपको श्री श्री बाबा संजीव मिड्डा जी बोलना सही होगा, क्योंकि इतनी सटीक जो आपने भविष्यवाणी करी थी कि भाई जो बाइडेन रेस में नहीं रहने वाले वो छोड़ देंगे, जबकि पूरा मीडिया उनके पीछे खड़ा था कि हम इसके साथ हैं, उन्होंने बोल दिया था मैं छोड़ूंगा नहीं। सर ये लिब्रांडू जो होते हैं ये सारे पहले तो बोलेंगे घबराना नहीं, फिर बोलते हैं डरना नहीं, फिर बोलते हैं भागना नहीं, और सबसे पहले यही भाग जाते हैं। सुमित जी देखिए, बेसिकली जो लिब्रांडो का जो फिलॉसफी होता है ये होता है कि जैसे ही उन पे प्रेशर पड़ता है या किसी भी बात पे वो झूठे पड़ते हैं तो सबसे पहले वो पीठ दिखा के वहां से एक पतली गली से गायब हो लेते हैं। वो कभी भी किसी भी टाइप की आपके साथ किसी भी डिबेट में भी नहीं आना चाहेंगे जहां पे वो किसी उनको कॉर्नर कर दिया जाए। वो बेसिकली हिट एंड रन में बिलीव करते हैं कि कोई स्टेटमेंट दिया और वहां से फरार हो लिया, उसको स्टेटमेंट के लिए वो अपने आप को जिम्मेदार भी नहीं मानते। वो बाद में उस चीज से भी मुकर जाएंगे कि हमारे स्टेटमेंट को गलत तरीके से पोर्ट्रे करा गया, मीडिया ने गलत तरीके से इस चीज को बात को उठाया है, हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। मतलब अपनी कही हुई बात, अपनी कही हुई वीडियो जो उनके खुद के सामने भी रख देना कि देखिए जी आपने तो ये चीज बोली थी, आपको खुद का अपना वीडियो दिखा रहे हैं, वो उस चीज में मुकर जाएंगे कि भैया ये चीज मैंने इस तरीके से नहीं इस तरीके से कही थी। तो वो तो उनकी फितरत है, वो अपनी फितरत से पीछे हट नहीं सकते। इसी तरीके से ही अभी तक वो लोगों का बेवकूफ बनाते आए और आगे बेवकूफ बनाने की पूरी पूरी उनकी यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी तो फितरत ही ऐसी है, डीएनए चेक कराना पड़ेगा। मुझे लगता है ये उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहां पे विक्टिमहुड के ऊपर रोना और धोना उनका चला रहता है। जैसे आजकल दुकानों के ऊपर नाम लिखने के लिए बोला है, नाम चेंज होने शुरू हो गए हैं, पंडित जी की दुकान लिखा है, अंदर कोई ना कोई वही सुअर की औलाद बैठा होगा, वही हाल इनका लिब्रांडों का भी है। लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता कि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, बाइडेन के निकलते ही चाइना में बहुत ही मातम मनाया जा रहा है कि बाइडेन निकल गया है, अभी कहीं ट्रंप आ गया तो हमारी कंट्री का क्या होगा, मैं यहां बता नहीं सकता हूं कितनी हड़बड़ी है। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर भी हड़बड़ी है या हड़बड़ी होने वाली है, वहां पर भी गड़बड़ की जाएगी, लिब्रांडो इतनी जल्दी से हार मान जाए, ऐसा हो नहीं सकता सर? सुमित जी देखिए, जो बाइडेन का तो प्रेसिडेंशियल रेस में बने रहना तो नामुमकिन सही था, जो मैंने पहले कुछ जैसा आपने कहा कि मैंने कुछ समय पहले इस बारे में मैं प्रेडिक्शन भी करी थी। और ये इनके इस बात के संकेत ना लगभग साल भर से एक साल से पहले से आने शुरू हो गए थे और नजर आ रहा था कि इनके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये शायद प्रेसिडेंशियल रेस की देश में नहीं जा पाएंगे, और वैसा ही हुआ। बट देखिए अब पॉलिटिकल पार्टीज ने इस इनको किसी उनकी जो ग्रुप है उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने इनको आखिर तक इसको इनको प्रेसिडेंशियल रेस में बनाए रखने की कोशिश करी। अब समझे कि 100 दिन या 90 दिन पहले ही उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी ये प्रेसिडेंशियल रेस में नहीं रहेंगे। जो बाइडेन अपने मुंह से बोल दिया कि मैं नहीं रहूंगा प्रेसिडेंशियल रेस में, उसने उन्होंने कमला हैरिस को अपना ऊपर उत्तराधिकारी का मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करा कि शायद वो अगली प्रेसिडेंट की रेस में जाने के लिए तैयार है। पर इसके बारे में मैं आपको बोलूंगा नहीं, कमला हैरिस देखिए अमेरिका में क्या सिस्टम क्या है कि किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के को अगर प्रेसिडेंट की रेस में उसका नाम अगर पक्का होना है तो उसको अपनी पार्टी के अंदर से ही उसको उसके अपनी उसको बेसिकली अपनी कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है, उनकी वोट्स उसके फेवर में आनी चाहिए। और कमला हैरिस का मुझे नहीं लगता है कि उसकी पूरी पार्टी जो है वो कमला हैरिस को इस मामले में सपोर्ट करने में तैयार बैठी है, उसके अंदर कई सारी फॉल्ट लाइंस है।
कई सारे और पावरफुल लीडर पहले से ही वहां पे मौजूद हैं और शायद उन्हीं में से किसी एक लीडर का नाम मौजूद होगा और शायद वो ऑलरेडी उस टाइप के लीडर्स रहेंगे जो ऑलरेडी पहले प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उनकी वाइफ में से किसी दोनों तीनों प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं इनकी पार्टी में से, तो उनकी शायद किसी उनकी वाइफ का ही नाम आगे आने की पूरी पूरी उम्मीद बनी हुई है। तो अब क्या है कि जो बाइडेन तो अपनी प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो गए, इसका इसका अमेरिका की इकोनॉमी में क्या असर पड़ रहा है कि उसमें देखिए सबसे पहले तो उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ही मतलब एक डामाडोल पोजीशन में आ गया, वो वेट एंड वॉच पोजीशन हो रही है स्टॉक पोजीशन की, मतलब लगभग 1% ट्रेड तो लगभग पहले ही नीचे गिर गया जैसे ही अनाउंसमेंट आई, और आगे भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्लियर सिग्नल नहीं देते हैं पार्टी के मतलब किस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ये पक्का तरीके सामने लाएंगे तो वो ये वॉलेटाइल पोजिशन अमेरिका इकोनॉमी में गलत असर दिखाएगी। और अच्छा अभी क्या है कि इन्होंने बाइडेन की जो मेंटल हेल्थ थी या उसकी उनकी जो ओवरऑल हेल्थ थी उसको पूरी तरह छुपाने की कोशिश करी, ये भी लोगों के अंदर एक गलत सिग्नल दिया कि क्या ये मतलब ये पार्टी क्या करना चाह रही है, अगर कोई फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है क्या उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट बताने जा रहे थे ये लोग, अगर कोई भी आसपास के लोग आवाज ना उठाते या कई लोग बोलते नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो इन्होंने प्रेजिडेंशियल डिबेट करी उसके अंदर ये कहीं ना कहीं उसमें बिल्कुल भी अपने मेंटल लेवल पे उसको मैच नहीं कर पाए डिबेट को, उस डिबेट में हारते हुए नजर आए, तो क्या ये उसके बाद जब क्लियर सिग्नल आ गए थे कि ये इंसान उस लेवल पे आज की डेट में फिजिकली या मेंटली एक्टिव है ही नहीं, तो क्या इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए था, इस चीज को एक्सेप्ट करने में इनको टाइम क्यों लगा, इतना नजदीक इलेक्शन के पास जाके इनको इस चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम क्यों लगा। अब सपोज कीजिए किसी भी और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ये अनाउंस करते हैं आने वाले दिनों में नाम, उसको भी तो प्रेसिडेंशियल डिबेट में जाना पड़ेगा, उसको भी तो अपनी ग्राउंड लेवल पे अपना काम पूरा करना पड़ेगा, क्या उसके लिए इतना वक्त है कि ये सब चीजें कर पाए। डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी पहले ही बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे हैं, जबकि जो 400 के टर्म उन्होंने निकाला, जो जिस टर्म में वो बाद में जो बाइडेन से हारे थे इलेक्शन री इलेक्शन में, उसमें भी बहुत ही क्लोज मामला था कि मतलब शायद 19-20 का ही मामला था कि जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते से रह गए, तो दैट मीन्स कि अमेरिका की जो पब्लिक है वो आज भी बढ़ चढ़ के जो बाइडेन को पसंद करती है, और ये जो अभी पीछे जो जो बाइडेन को किल करने की जो कोशिश करी गई थी गोली मार के उसमें ट्रंप को जो गोली मार के मारने की कोशिश करी थी, उनको किल करने की कोशिश करी गई थी, ये मतलब ये कहीं ना कहीं पे ट्रंप को वहां पे अमेरिका के अंदर ये बेसिकली एक ऐसा उनके इनके फेवर में एक वेव लेके आ रहा है, सिंपैथी वेव लेके आ रहा है, जो कि जिस सिंपैथी वेव को ऑलरेडी वहां की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो उस वे को समझ गई है, और शायद उसको उन्होंने समझ दिया कि अगर जो बाइडेन को हम इस पर्टिकुलर सिंपैथी वेव के अगेंस्ट लड़ने के लिए बोलेंगे तो जो बाइडेन शायद उस वेव में कान नजर भी ना आए पर कहां बह जाए पता ही ना चले, तो उन्होंने कहा कि चलो जी एक अलग दूसरा फेस हम प्रेजेंट करते हैं, शायद उससे शायद ये सिंपैथी वेव में कुछ डेंट पड़े या डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी में कुछ फर्क पड़ जाए और हम उस नए कैंडिडेट के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ा के उसके कंटेंट बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे कि उसने अपने लाइफ में क्या करा क्या नहीं करा, जो एक सिलसिला अमेरिका के अंदर लगातार चलता ही है कि एक किसी भी नए कैंडिडेट को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करा जाता है मतलब एज ए प्रेजेंटेशन पे उनकी पार्टी की तरफ से। मगर सुमित जी अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं अब मतलब वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी के चार्ट्स है उसको ये इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, मतलब वो उसको समझ नहीं आ रहा कि करा क्या जाए, अब वो कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाने की कोशिश करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप को नाम को उछालने की कोशिश करेगी। मतलब आने वाले दिनों में शायद आपको ऐसी भी न्यूज सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप को दिखाएंगे कि वो फलानी फलानी लेडी के साथ इन्वॉल्व था, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसकी फोटोज भी बना के वो न्यूज़पेपर में मैगजीन में मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया में डाली जाएगी, उनको बदनाम करा जाएगा कि ये इंसान जो है सही करेक्टर का नहीं है। फिर कुछ ना कुछ वहां पे इस तरीके की भी चीजें होने की उम्मीद है कि जहां पे एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ जबरदस्ती भिड़ाया जाएगा किसी भी फालतू मुद्दे के ऊपर,
चाहे वो ब्लैक्स का हो गया या व्हाइट लाइफ मैटर हो गया या ब्लैक लाइफ मैटर हो गया या उसके उनके सपोर्टर्स रूलिंग गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के साथ आपस में क्लैश कर दे, तो अमेरिका के अंदर भी ना आप देखेंगे आने वाले दिनों में हालात बिगड़ते चले जाएंगे, जैसे कि पूरी कंट्री ना दो हिस्सों में बट जाएगी, तो चीफ आर्ट होने वाली है अमेरिका के अंदर, पोलराइजेशन करने की पूरी कोशिश कर जाएगी और ऐसे ऐसे वादे करे जाएंगे शायद वो जब कभी भी पूरा कोई भी मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट है उस वादे, जैसे इंडिया के अंदर क्या हुआ कि इलेक्शन से पहले इंडी लाइन लगा दिया हम 1,00,000 रुपए महीना देंगे, बट अगर वो जीत जाते तो क्या 1,00,000 रुपए महीना दे पाते, वो गलत वो सोच भी नहीं सकते थे कि 1,00,000 रुपए महीना देंगे, कुछ इस टाइप की गलतियां रूलिंग गवर्नमेंट भी करेगी, वो भी मतलब उल्टे सीधे वादे करेगी लोगों के बीच में जो वो कभी भी निभा नहीं पाएगी, मतलब उनको वो कुछ भी उल्टा सीधा करके अपने आप को मतलब किसी तरीके से जिताने की कोशिश करेगी, वहां पे भी आप देखना आपस में लोगों राइटिंग भी होगी, लोगों की गोलियां भी चलेगी, आपस में लोग एक दूसरे लड़ेंगे भी, एक दूसरे का नुकसान भी करेंगे और मतलब कुछ समझ काल्पनिक घटना भी होती नजर आएगी, मतलब अमेरिका के लिए जो इलेक्शन है ना ये बहुत तकलीफदेह होने वाली है, इसमें मतलब किसी जमाने में जैसे हिंदुस्तान में जैसे आज की डेट में हो रहा है कि वो बंगाल जैसे में जैसे देखने को मिलता है कि कितना लड़ाई झगड़े उल्टे सीधी हरकतें होती हैं, और किसी जमाने में बिहार साइड में ऐसा कुछ बहुत कुछ देखने को मिलता था, किसी टाइम में यूपी के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता था, तो वैसी भी हरकतें अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर होती नजर आएंगी, पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी सुमित जी कि ये वाकई अमेरिका के अंदर ही हरकतें हो रही हैं क्या, मतलब वहां के लोग इस हद तक की आई रूलिंग गवर्नमेंट इस हद तक जा सकती है अपने आप को मतलब अपने आप को सरकार में बरकरार रखने के लिए कि वो सामने वाली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उसकी उसकी हर टाइप की चीज को दर्दनाक करके वो कुछ भी हटकंडे अपनाने को तैयार है कि नहीं किसी तरीके से उसकी पॉपुलरिटी कम हो जाए और ये लोग जीत जाए, मगर शायद अमेरिका की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है और डोनाल्ड ट्रंप खुद जो है वो अपनी सिर्फ पॉपुलैरिटी चार्ट के ऊपर ही इलेक्शन जीतने में कामयाब होंगे। सर लिब्रांडो कभी भी आसानी से कुर्सी को छोड़ते नहीं है, ये राइट विंग की गवर्नमेंट नहीं है, हार गए तो हार गए, बाद में बोल भी देते हैं आई एम सॉरी टू द कंट्री एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द विनिंग पार्टनर, जैसे ऋषि सुनक ने यूके में किया। लिब्रांडो ऐसी हरकत कभी करते ही नहीं है, 99 सीटें लेकर भी विक्ट्री साइन दिखाते हैं जबकि 550 में से 99 है, 100 में से 99 नहीं है तो भी विक्ट्री का साइन होता है, ये कभी भी अपनी हार नहीं मानते, इसी को लिब्रांडो बोलते हैं, बेशरम बोलते हैं। अभी आपने बोला जैसे कि जो है इन्होंने इतनी देर लगा दी समझने के लिए कि इनकी दिमाग की हालत खराब है, भाई उनको तो जो है अभी पता लगा है कि दिमाग की हालत खराब है वो ड्रॉप आउट हो गए, हमारे यहाँ तो 15 साल हो गए सर, हमें सबको बच्चे बच्चे को मालूम है कि दिमाग की हालत खराब है, लेकिन आज भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो लिब्रांडों का सिस्टम ऐसे ही चलता है, इन्हें सिर्फ अरे लोग जो होते हैं ऐसे वही पसंद आते हैं। लेकिन सर अगर किसी भी तरीके से हमें मालूम है कि धांधली करी जाएगी इलेक्शंस के अंदर, जैसे फ्रांस में अभी हमने देखा कि राइट विंग की सरकार जीतने वाली थी, वहां पर धांधली करी गई सेकेंड राउंड में और वहां पर लिब्रांडो फिर जीत कर आ गए, वहां पर भी दंगे कराए गए राइट और लेफ्ट के बीच में, लेकिन क्योंकि लिब्रांडो जीत गए थे वो सारे शांत भी हो गए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, आपको नहीं लगता कि लिब्रांडो पूरे कंट्री को आग लगा देंगे वहां पर, वो इतनी जल्दी से आसानी से ट्रंप को प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था? सुमित जी ये जो लिब्रांडो वहां पे जो हरकत करेंगे या रूलिंग पार्टी के लोग जो हरकत करेंगे इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हालत में, तो वो जो देश के अपने ही देश के अंदर जो हालात खराब करेंगे, पोलराइजेशन करेंगे, आग लगाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, दंगे फसाद होंगे, तोड़फोड़ होगी, आजनी होगी, आपको क्या लगता है कि उसका उसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में अमेरिका पे पड़ेगा नहीं, यूएसए पे पड़ेगा नहीं? डेफिनेटली पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ना वहां की कई स्टेट्स के अंदर ना ये उनकी दिमाग में ऐसा बीज बो देगा कि उनमें से कुछ स्टेट्स ना आने वाले सालों में अमेरिका से अलग होने की बात करेंगे। और ये भी चीज मेरी बात आप आज ही नोट कर लीजिए कि आने वाले सालों में मतलब मैक्सिमम आठ मतलब ये जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल के पीरियड निकलने दीजिए, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट वहां पे फिर से पावर में आएगी उस दौरान मतलब कि चार साल अभी 6 महीने ये और 4 साल डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट का 4.5 साल और मतलब 5 साल के बाद का जो पीरियड है ना
उसके अंदर आपको इसके इसके ये चीज की आवाजें आपको अमेरिका के अंदर से अलग अलग स्टेट से उभरती नजर आएंगी। दैट मींस आप अमेरिका से अलग होना चाहती है अगले 4-5 साल के बाद ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा। बेसिकली तो हम यही बोल रहे हैं इसमें भी। हाँ थोड़े से जो जो करंट फॉर्म ऑफ यूएसए है जितनी स्टेट यूएसए के अंदर इसमें जुड़ा है वो शायद उस तरीके से ना रहे, कुछ स्टेटें उसमें से कम होती हो जाएंगी और शायद डोनाल्ड ट्रंप शायद इस वक्त जो अमेरिका का शेप है जितनी स्टेट्स है उसके शायद आखिरी प्रेजिडेंट होंगे। आखिरी प्रेजिडेंट होंगे ये एक प्रेडिक्शन भी थी और वो 100-150 साल पुरानी है। मैंने वो किताब देखी है जिसमें लिखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मींस इसके बाद अमेरिका उस शेप में नहीं रहेगा जिसको हम अमेरिका बोलते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। लेकिन सर अगर ऐसे सिविल वॉर की सिचुएशन आती है या ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, चाइना तो कभी भी उनको चैन से बैठने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा। इन सारे दंगों फसादों को जो लिब्रांडो करने की कोशिश करेंगे उसको वो पूरा फ्यूल करेगा। जैसे भारत के अंदर भी आज की डेट में जो जहां पे आतंकी हमले हो रहे हैं उसमें आपको मालूम है सारे इक्विपमेंट्स चाइनीज दिखते हैं, ड्रोन्स चाइनीज हैं, वहां पे हथियार चाइनीज हैं और पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है कि भारत को चैन से बैठने नहीं दिया जाए। वही काम आपको नहीं लगता जो भारत में चाइना करवा रहा है वही अमेरिका में भी करवाने की कोशिश करेगा ताकि ट्रंप कभी भी चाइना के ऊपर जो उनका सख्त रवैया रहा है लास्ट टाइम वो दोबारा रिपीट ना कर पाए और चाइना बच जाए। सुमित जी, डोनाल्ड ट्रंप जी जो प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनका 4 साल का जो टर्म रहेगा ना वो बिल्कुल भी उनके लिए आसान नहीं रहेगा। वहां पे मतलब कि जो कंट्री के अंदर जो डीप स्टेट है, जो लिब्रांडो गैंग है, वो भी उनका जीना आराम करेंगे। बाहर के जो देश है जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, वो भी उनका जीना आराम करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे रशिया जो है जो पहले जो सोवियत यूनियन के नाम से बना हुआ था, जो उसके अंदर कई सारे और देश भी थे, फिर जब सोवियत यूनियन टूटा से अलग अलग सब देश बिगड़ गए, उसमें से रशिया भी अलग से जो सबसे बड़ा देश था वो अलग से निकल के आया। तो वो जो उनका जो यूनियन का टूटना है, सोवियत यूनियन का टूटना है, वो रशिया उस दर्द को आज तक भूल नहीं पाया है। और जो हरकत रशिया के साथ सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका ने मिलकर करी थी, यूरोप के साथ मिलकर, शायद वही हरकत चाइना और रशिया अमेरिका के अंदर मिलकर करने की कोशिश करेंगे कि वहां की जो फॉल्ट लाइंस हैं, जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भैया उनके वहां पे कई सारी ऐसी स्टेट्स होंगी यूएसए के अंदर जो अमेरिका यूएसए के अंदर रहना नहीं चाहेंगी जो बाइडन की टर्म खत्म होने के बाद, मगर और उसके बाद वो सिलसिला तेजी पकड़ेगा और उसमें चाइना और रशिया पूरी उस आग के अंदर घी डालेंगे, उस फॉल्ट लाइन का पूरी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो हरकत अमेरिका ने और यूरोप ने मिलकर उनकी कंट्री से करिए वो जो हरकत अमेरिका का करके अमेरिका को भी तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जो बाइडन तो सॉरी मैं बड़ी बड़ी गलत नाम मुंह से निकालता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप तो अपना 4 साल का जो टर्म है कैसे ना कैसे करके तो पूरा कर लेंगे डिस्पाइट बहुत सारे चैलेंजेस के, मगर वो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग तरीके वो अपने दो कानों के बीच में जो जगह है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं, वो कूटनीति को कैसे इस्तेमाल करना वो जानते हैं, तो वो अपना टर्म कैसे भी करके वो ऐसा निकालेंगे कि लोग उनको डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, कुछ गलतियां भी होंगी मगर उस गलतियों पर लोग उनको माफ कर देंगे क्योंकि वो जानते हैं कि ये इसके पीछे हाथ किसका है। इसरो का जो भी जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, अमेरिका के लोग उससे खुश थोड़ी है, जो पिछले 4 साल जो गवर्नमेंट ने निकाले उसके खुश थोड़ी है, वो कितने सारी उनकी शिकायतें हैं इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट की इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने अमेरिका को जाकर सबसे ज्यादा वीक बनाया है, तो इस गवर्नमेंट ने बनाया है अमेरिका की जो इंटरनेशनल पॉलिसी सबसे ज्यादा वीक जो लोगों के बीच में गई है वो इस गवर्नमेंट के बीच में गई है। अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, रिसेशन की तरफ जो अमेरिका जा रहा है, वो इस गवर्नमेंट के अंडर सारे हरकतें हुई हैं, उन्होंने इकोनॉमिकली अमेरिका की जो पॉलिसी बहुत वीक बना के छोड़ी।
डोनाल्ड ट्रम्प उस चीज कौन सी चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ये समय बताएगा कितना ठीक कर पाएंगे, मगर वो चैलेंज से घबराएंगे नहीं, वो किसी भी टाइप की सिचुएशन से घबराएंगे नहीं, उसको सामने से समझ के वो उसमें कड़क फैसला लेने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। तो वो इसलिए वो चार साल का समय अपना निकालेंगे चैलेंजेस को फेस करते करते, मगर डोनाल्ड ट्रम्प क्योंकि थर्ड टर्म नहीं रिपीट कर सकते, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूएसए के अंदर जो रूल है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो दो टर्म से ज्यादा तीसरे टर्म नहीं वहां पे गवर्नमेंट में रह सकता, वो तीसरे टर्म नहीं आ सकता। तो दैट मीन तीसरा टर्म कोई ना कोई आएगा, चाहे इनके ग्रुप से आए या दूसरे सामने वाली ऑपोजिशन की पार्टी के ग्रुप से आए, तो जो भी आएगा तब तक वो मतलब जो अमेरिका की जो डीप स्टेट है या वहां के जो लिब्रांडो है वो अमेरिका के अंदर फॉल्ट लाइन इतनी ज्यादा पैदा कर चुके होंगे, माहौल इतना खराब कर चुके होंगे, उस माहौल का पूरा फायदा रशिया और चाइना भी साथ साथ उठा रहे होंगे, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होगा वो किसी ना किसी स्टेट का, चार पांच स्टेट ऐसी है जो वहां से अमेरिका से यूएसए से अलग होने की पूरी बात करेंगे, उसमें तो दो तीन अलग होने में कामयाब भी होती नजर आ रही है मेरे को, तो वो सिलसिला भी वहां पर शुरू हो जाएगा। बट हाँ, इतनी बात जरूर है कि डोनाल्ड ट्रम्प अपना 4 साल का टाइम कैसे ना कैसे पूरा कर लेंगे। सर, चाइना के अंदर ऑलरेडी एक रिपोर्ट है जो मैंने देखी है, उसके अंदर यह था कि वो और रशिया मिलकर अमेरिका को चारों खाने दुनिया में पागलों की तरह घुमाएंगे, यानी कि कभी आप पैसिफिक में देखेंगे, कभी इंडो पैसिफिक में पंगा देखेंगे, कभी अटलांटिक में देखेंगे, कभी आप रेड सी के पास देखेंगे, आप देखेंगे कि हर एक जगह पर आज भी ऐसा हो रहा है कि रशिया ने भी इनको एंगेज किया हुआ है, उधर से ईरान ने एंगेज किया है, इधर चाइना ने एंगेज किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया भी बीच में जुड़ गया है, यानी कि अमेरिका दुनिया का दादा बनने की कोशिश करता है, इसे ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना मिलकर पूरे दुनिया में पागलों की तरह घुमाएंगे, उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। इनकी जो शिप्स समुन्द्र में एक या दो महीने के बाद वापस जाती थी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, आज 8-8 महीने हो गए हैं वो रिपेयर के लिए वापस जा नहीं पा रही हैं, जो कुछ दिन का रिपेयर होता है आज 1-1 साल लग जाता है उस शिप्स को रिपेयर करके दोबारा से सर्विस में भेजने के लिए। ये तो हालत आज की डेट में है। ट्रंप के आने के बाद ये और तेजी पकड़ेगा, मैं आपको आज बता रहा हूं, बिकॉज जहां पे मैं बैठा हूं यहां पे कई चीजें ऐसी हमारी नजर के सामने आती हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती हैं। तो आपकी जो प्रेडिक्शन है मुझे सही होती ऑलरेडी दिख रही है, ये वक्त बताएगा कि क्या होगा। बट डोनाल्ड ट्रंप के आने से बाद सिविल वॉर अमेरिका में आती हुई दिखाई देती है आपको। इस न्यूज को, इसको यहां पर मैं सेव करके रखूंगा, और जब ये होगा तो ये वीडियो दोबारा से लोगों को दिखाई जाएगी कि देखिए ये प्रेडिक्शन उस दिन की गई थी और आज ये हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये इसके संकेत मुझे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना में जैसे हड़बड़ी मची पड़ी है कि ट्रंप अगर आ गया तो शायद चाइना भी बचे नहीं, चाइना की वो वाट लगा के रखेगा, और उसके लिए अगर ट्रंप के साथ टर्म्स ठीक करनी पड़ेंगी तो चाइना को थोड़ा झुक के काम करना पड़ेगा, जो चाइना का डीएनए नहीं है। तो बड़ा दिलचस्प एक मोड़ आ गया है जो बाइडेन के छोड़ने के बाद, अब देखते क्या होता है। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट इसके ऊपर। समीर जी, मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, पहले इससे पहले की क्लोजिंग कमेंट दूं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना पे प्रेशर डलेगा, चाइना डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग और उनके बीच में मतलब एक संघर्ष वाला माहौल पैदा होगा, और चाहे चाइना के प्रेसिडेंट अपनी गद्दी में रहे ना रहे, कोई और लीडरशिप टेक ओवर करती है, पुतिन रशिया में अपनी गद्दी में रहे ना रहे, कोई अगर कोई और लीडरशिप टेक ओवर करती है, कोई भी लीडरशिप रशिया या चाइना में आ जाती है आने वाले फ्यूचर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के या डोनाल्ड ट्रंप के जो 4 साल के टेन्योर के दौरान भी अगर आ जाती है, तब भी वो अमेरिका की हालत खराब करके रखेंगे। मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे कि इनका जीना आसान ना रहे। तो वो बेसिकली जो ऑलरेडी उन्होंने जो एक तरीका अपना रखा है कि किसी ना किसी तरीके से इन्होंने मिलकर अमेरिका को वीकन करना है, कई सारे फ्रंट खोल देने जिसको अमेरिका संभालते परेशान हो जाएगा और एक और अपना पैसा खर्चते करते परेशान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर वो अमेरिका को बैकफुट पे लाना चाहते हैं, इकोनॉमिकली पूरी तरह वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी दौरान आप देखेंगे कि जो डॉलर की जो डिमांड है वर्ल्ड ओवर कम होती नजर आएगी, मतलब और उसकी जगह पे जो ब्रिक्स करेंसी है वो कहीं ना कहीं जगह लेती नजर आएगी, और वो बेसिकली एक
ऐसी रिजर्व करेंसी के रूप में सामने उभरती नजर आएगी। तो ये भी पूरा जो गेम प्लान है ये भी उस दौरान ही चलेगा, डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल के टेन्योर के दौरान ही चलेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप तो वो किसी भी चीज से घबराने वाले नहीं। मैं आपको फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे इंसान है कि वो चैलेंज से घबराने वाले हैं नहीं। उनके पास हर चैलेंज के लिए कोई ना कोई जवाब होगा, क्योंकि सबसे पहले वो कोई भी चैलेंज को फेस करने से पहले ये सोचेंगे कि अगर ये चैलेंज हम फेस कर रहे हैं तो मुझे अमेरिका को या यूएसए को सबसे पहले इससे सेव कैसे करना है। सबसे पहले वो अपनी कंट्री को सेफ गार्ड करेंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसको किस तरीके से अप्रोच करना है ताकि वो जो चैलेंज है उनके उनके अंदर इकोनॉमी के अंदर आके उनको परेशान ना करे, उसकी इकोनॉमी में असर ना डाले। तो वो पहले उनकी सोच उस प्रकार की रहेगी, वो बिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वो सबसे पहले अपने देश को पहले संभालेंगे, जिसमें अमेरिका फर्स्ट का नारा वो लगाएंगे और वो अपने देश के अंदर की इकोनॉमी को सबसे पहले उभारने की कोशिश करेंगे। और मतलब है और जो प्रॉब्लम कंट्री के अंदर रहेगी उसको पहले उभारने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे वो सक्रिय जरूर रहेंगे मगर अपने देश के बारे में पहले ज्यादा सोचेंगे। जो अभी तक जो लिबराडो गवर्नमेंट आई है वो दुनिया में कब पे कब्जा करने की बात सोचती है, अपने देश के बारे में कम सोचती है, बट डोनाल्ड ट्रंप उल्टा करेंगे, वो अपने देश के बारे में ज्यादा सोचेंगे और दुनिया की वो फिक्र कम करेंगे। सर राष्ट्रवादी उसी को बोलते हैं, मोदी जी का भी यही हाल है, इसलिए लिबराडो उन्हें हटाने में लगे रहते हैं, इनको सिर्फ लड़ाई झगड़ों में वॉर्स में और तुष्टिकरण में ही मजा आता है लिबराडुओं को, और उसके बाद इन्हीं के पिछवाड़े पे ऐसे डांगे पड़ती हैं, लाते पड़ती हैं कि आपको मालूम है। उसके बाद ये अपने बंदर वाले टोपी डालते हुए दिखाई देते हैं पूरे दुनिया में। देखते हैं अभी डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, यहां पर भी यही बोला जाता था आएगा तो मोदी ही, अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया आएगा तो ट्रंप ही, यानी कि वहां पर भी वही गेम प्लान जो भारत में किया ताकि लोग बाहर वोट करने नहीं जाएं और वो किसी तरीके से ट्रंप को हरा दें। देखते हैं अभी बहुत कम टाइम रह गया है, 107 दिन रह गए हैं वहां पे इलेक्शंस में, वहां पर क्या कुछ होगा हमारी नजर भी बनी रहेगी और डिटेल में जो प्रेडिक्शंस हैं इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है, क्या जियोपॉलिटिकली हम देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। सर आपका क्लोजिंग कमेंट, आई कैन सी यू वांट टू से समथिंग इन द एंड। सुमित जी देखिए एक चीज और बोलने जा रहा हूं मैं कि आपने कहा कि जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है या जो लिबराडो गैंग है यूएसए के अंदर जो डीप स्टेट है वो पूरा इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए मतलब इलेक्शन जीतना आसान नहीं रखेगा, कोई ना कोई वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा इलेक्शन के दौरान पे ताकि इसको ये मतलब कम सीटें मिले या इसको कम सपोर्ट मिले इलेक्शन जीतने के लिए। देखिए मैं तो जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्ट कर रहा हूँ लैंडस्लाइड विक्ट्री, और लैंडस्लाइड विक्ट्री के अंदर अगर थोड़ा बहुत डेंट मार लें तो मार लें, मगर आनी तो फिर भी विक्ट्री डोनाल्ड ट्रंप की है। लैंडस्लाइड विक्ट्री में अगर सपोज कीजिए 100 सीटें लानी है, 100 सीटें डोनाल्ड ट्रंप की, 100 में से 90 सीटें डोनाल्ड ट्रंप की पक्की है, तो थोड़ा डेंट मारेगी तो 10 सीटें और ले जाएगी ऑपोजिशन रूलिंग गवर्नमेंट, अभी 80 सीटें फिर आ जाएगी गवर्नमेंट डोनाल्ड ट्रंप के, तब भी वो जीते लैंडस्लाइड विक्ट्री मानी जाएगी ना। तो कुछ इस तरीके से होना है वहां पे। एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं अमेरिकन की जो, क्योंकि मैं काफी वहां पे बिजनेस करता हूँ, मैं जो मेरा अपना लगता है मुझे कि बड़ा नेक टू नेक रहने वाला है, इवन दो पॉपुलैरिटी ट्रंप की ज्यादा है लेकिन लिबराडो इतनी जल्दी से वहां पर ट्रंप को इतनी लैंडस्लाइड जीतने नहीं देंगे, और तभी उन्होंने अभी से बोलना शुरू कर दिया ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, नेक टू नेक रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में 1-2 महीने केस लड़ता रहेगा कि कौन प्रेसिडेंट बनना चाहिए, और ट्रंप का नाम उसमें आता है एंड में तो ये सारी कंट्री में आग लगाएंगे। इट इज गोइंग टू बी नेक टू नेक, ये इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं है, ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा। यस आई अंडरस्टैंड ये सिविल वॉर की तरफ जाएगा ये, लेकिन केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही। आपको याद होगा कि एक बार जब बुश और गोर के बीच में भी था तब भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका फैसला हुआ था कि आगे जीता कौन है, इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। लिबराडो इतनी जल्दी से ट्रंप को कुर्सी दे दें ऐसा हो नहीं सकता। सर भारत में भी मोदी जी को आसानी से कुर्सी नहीं मिली है, बहुत कुछ करना पड़ा जिसके कारण कुर्सी मिली है, और बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट चल रही है, यही कुछ अमेरिका में भी होता हुआ दिखाई देता है। बट यस आएगा तो ट्रंप ही, ये मुझे भी लगता है, बाकी वक्त बताएगा। थैंक यू सर, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में हमने बात करी है, कुछ प्रेडिक्शंस भी कर दी हैं। पुरानी प्रेडिक्शन आपकी सही होगी कि बाइडेन नहीं रहेंगे रेस में नहीं रहेंगे और आगे जाकर ट्रंप जीतने वाले हैं। अब आगे देखते हैं कि वहां पर सिविल वॉर जो जिसकी आपने प्रेडिक्शन करी है कि आने वाला है वो कब आता है,
इलेक्शन के इमीडिएटली बाद आपने बोला कि वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी और वहां पर सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर पूरी नजर रखेंगे और इस वीडियो को दोबारा दिखाएंगे भी। थैंक यू, जय हिंद एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.